हमारे जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी मृत्यु पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के हिस्से पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच के भाग को, बीच के हिस्से को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में हम जन्म से मृत्यु तक समग्र जीवन में, संपूर्ण जीवन में प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण को सकारात्मक रूप से व्यतीत करें, प्रत्येक क्षण को सकारात्मकता के साथ जिए और प्रत्येक क्षण में आनंद की प्राप्ति कर सके। और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कई लोग प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, कई लोग पूजा स्थलों में जाते हैं, कई लोग इसी आनंद की प्राप्ति के लिए किसी पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं, किसी समुद्र के सानिध्य में जाते हैं। यानी प्रत्येक क्षण जीवन में आनंद को खोजते रहते हैं। आनंद जहां भी मिल जाए, जहां भी प्राप्त हो जाए, उसे लेने की कोशिश करते हैं। कई लोग विभिन्न प्रकार के व्यसन करके, नशा करके भी क्षणिक आनंद का सुख प्राप्त करते हैं और आनंद का सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस आनंद को देखा नहीं जा सकता है, इस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता है, इस आनंद को किसी भी शब्दों में परिभाषित किया नहीं जा सकता है। यह आनंद जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने के बाद में स्वयं ही उसे अनुभव करता है, वो किसी को वर्णित नहीं कर सकता, इस आनंद का फोटो नहीं ले सकता, इसको किसी को बता नहीं सकता, किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी ये आनंद सिर्फ अनुभव करने की चीज है और इसे कहीं पे भी किसी को बताया नहीं जा सकता, किसी को दिखाया नहीं जा सकता, इसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो इसी आनंद को परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को किसी ने भी देखा हुआ नहीं है, परमेश्वर का कोई फोटो नहीं है, परमेश्वर को किसी ने भी दिखा हुआ नहीं है। जिसने भी परमेश्वर के बारे में लिखा, उसने अपनी स्वयं की कल्पना के अनुसार लिखा। किसी ने भी परमात्मा का कोई रूप बनाया तो जो उसके अंदर भाव था, जो उसके भीतर भाव था, उसी भाव को प्रकट किया है। सचमुच का परमात्मा किसी ने भी देखा हुआ नहीं है, सचमुच का परमेश्वर किसी ने भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसको लिख ही नहीं सकते, वो कोई भी चित्र बनाने के परे है, वो शब्दों के परे है, उसका वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी ही
सकारात्मक आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने अलग अलग मार्गों का अवलंब किया है। मैंने भी इस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन में एक मार्ग का अवलंब किया। तो मार्ग ध्यान है। तो अगर आप किसी मार्ग को अवलंब करते हैं और अगर उस रास्ते पे आप कुछ कदम चल चुके हैं, आप कहीं पहुंच चुके हैं, तो आपकी खोज समाप्त हो गई है। और अगर आप पहुंच नहीं चुके हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आप उस सकारात्मक आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अगर आप आनंद के मार्ग के पथिक हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके लिए समर्पण ध्यान का एक मार्ग आज आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि यही एकमात्र मार्ग है, और आवश्यक नहीं कि यही मार्ग से आप वहां पहुंच सकते हैं। उस सकारात्मक आनंद को प्राप्त करने के लिए अनेकों मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग ये है। तो अगर ये मार्ग ही विश्व चेतना ने आपके लिए निश्चित किया है, ये मार्ग ही आपका मार्ग है, इस मार्ग पे आप चल करके देख सकते हैं। जिस प्रकार से आप देह का जन्म लेते हैं, तो देह के जन्म के समय निश्चित रहता है आप किस मां के कोख से पैदा होने वाले हो, और उसी समय यह भी निश्चित हो जाता है आपके आत्मा की मां कौन है, आपके आत्मा के उन्नति का मार्ग कौन सा है, सकारात्मक आनंद के प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, पूर्व निश्चित रहता है। और उसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करते रहता है, जीवन भर प्रयत्न करते रहता है। तो वास्तव में जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहता है, जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते रहता है। आध्यात्मिक उन्नति एक जीवन में प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है, एक जीवन में उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आध्यात्मिकता का क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से विस्तार होते रहता है। उसके लिए अनेकों जन्म लेना पड़ते हैं, और अनेकों जन्मों के बाद आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का, जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और आगमन होना ही पर्याप्त नहीं है, एक जीवन में आगमन होता है, एक जीवन में उसे हम जानते हैं, एक जीवन में उसे पहचानते हैं, एक जीवन में मानते हैं, और एक जीवन में उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्षण में एक जन्म में कुछ संभव नहीं है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया पता होने के कारण मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। मार्ग बताना, रास्ता बताना मेरा मार्ग है, ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना आपके स्थिति के अनुसार है। आपकी जैसी स्थिति होगी उसी लेवल तक आप ग्रहण करोगे, उतना ही आगे चलोगे। और ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए, दोनों के लिए आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास उसकी पूर्व संचित स्थिति होना चाहिए। अगर वो स्थिति आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत बड़ी है। इसलिए अपने जीवन में जितना इस ओर चल सको उतना चलो, आवश्यक नहीं किसी जन्म में हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन एक सकारात्मक
आनंद की प्राप्ति के लिए, एक सकारात्मक आनंद के रास्ते पे चलने के लिए आप चल निकलते हैं। और इसी मार्ग पे चलते हुए अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपकी अगले जन्म की दिशा इसी जन्म में तय हो जाएगी। आपकी मृत्यु किस दिशा में हुई है, मृत्यु के समय आपकी दिशा कौन सी थी, मृत्यु के समय आपका डायरेक्शन कौन सा था, किस दिशा की तरफ आपका मुख था, किस दिशा की तरफ आपकी पीठ थी, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरफ मुंह करके चल रहे थे, कौन सी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, आपका प्रत्येक कदम कौन सी दिशा के अंदर चल रहा था, वही दिशा वही कदम आपका अगला जन्म निश्चित करेंगे। अगले जन्म में आपको बचपन से ही वो दिशा प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बचपन से ही एक सकारात्मक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। कई ऐसे भी वृद्ध साधक मेरे जीवन में आए जिन्होंने इस मार्ग को अवलंब कर लिया, इस मार्ग पर चल निकले, इस मार्ग पर दिशा निश्चित कर ली, इस मार्ग के ऊपर कई कदम चल चुके और चल चुकने के बाद उन्हें महसूस हुआ, उन्हें एहसास हुआ ये मार्ग बड़ा लंबा है, ये मार्ग की साधना बहुत लंबी है और इस साधना करने के लिए मेरा आज का शरीर पर्याप्त नहीं है। बहुत उम्र होने के बाद, शरीर पूर्ण थक जाने के बाद मुझे यह रास्ता पता चला है, तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया और मृत्यु का वरण उस दिशा में किया जिस दिशा में आगे जाके उनका जन्म होने वाला है। तो ऐसे कई साधक अपने शरीर को त्याग करके फिर नया जन्म ले चुके हैं और जन्म इसलिए दिया है कि स्वामी जी के सानिध्य में फिर हम मेरे को जीने का अवसर प्राप्त हो, स्वामी जी के सानिध्य में वो शरीर प्राप्त हो जो सबल हो, सशक्त हो और जिसके पास समय हो, आयु हो, उम्र हो। साधना करने के लिए उम्र की आवश्यकता है, साधना करने के लिए आयु की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे वो अमीर है जो साधना पे चल सकते हैं। इसलिए दिशा निश्चित होने के बाद ये जब बच्चे आते हैं पूर्व जन्म से संस्कार लेके आते हैं, पूर्व जन्म से कदम लेके आते हैं, पूर्व जन्म से अनुभूति लेकर आते हैं। अनुभूति प्राप्त है, अनुभूति ली हुई है, अभी करने के लिए कोई बाकी नहीं रह गया है, कुछ खोज नहीं रही है, कुछ भटकन नहीं रही है, कुछ प्राप्त करना नहीं, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इन बच्चों को प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब प्राप्त है, सिर्फ साधना करना बाकी है। अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो गए जन्म में उन्हें साधना का अभाव था, जो गए जन्म में साधना प्राप्त करने के लिए समय बाकी नहीं रह गया था, वो समय इस जन्म में उनके पास में है। वो अमीर है क्योंकि समय उनके पास है, समय का धन उनके पास में। इसीलिए कई बार आपको भी आश्चर्य होता होगा, पांच पांच साल के, आठ आठ साल के बच्चे ध्यान की एक उच्च कक्षा में पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म से मेरे साथ थे और वो इस जन्म में भी मेरे साथ हैं। सदगुरु क्या बोलता है उधर तो आप ध्यान ही मत दो, सदगुरु क्या करता है उधर भी ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब चीजें आपके समझने के परे है। क्या होता है, क्या अनुभूति होती है, आपका सारा चित्त उसी अनुभूति पे होना चाहिए। जीवंत गुरु एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। इतनी सकारात्मक
ऊर्जा उसमें भरी हुई है कि उसके हाथ से नकारात्मक कार्य हो ही नहीं सकते। सालों तक सकारात्मकता के साथ जुड़ने के कारण उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। आपको गलत दिख सकता है लेकिन गलत होता नहीं है। Thanks for watching. Like, comments, share, and subscribe.